हेलो गाइस, इडियम्स एंड फ्रेजिज के हमारे लगातार दूसरे वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। कल का हमारा लेसन 1 से 15 तक इडियम्स एंड फ्रेजिज से संबंधित था और आज की कड़ी में 16 से हमारा लेसन स्टार्ट होगा। कल के पिछले वीडियो का लिंक मैं अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कॉमेंट करना न भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के वीडियो में हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, टू टेक समबडी फॉर ए राइड। तो देखिए, टू टेक समबडी फॉर ए राइड यानी किसी को घोड़े पर चढ़ा देना, यानी बहुत ज्यादा चढ़ा देना, यानी किसी को डिसीव कर देना या उसे अपमानित कर देना। टू डिसीव और होमिलिएट हिम, तो सी इसमें हमारा आंसर इसमें होगा। अगला है टू क्रॉस स्वॉर्ड्स। आपने देखा होगा राजघरानों में एक लोगो सा लगा होता है जिसके ऊपर दो क्रॉस तलवार दिखाई गई होती है, इसका मतलब होता है टू फाइट, टू क्रॉस स्वॉर्ड्स, टू फाइट, तो इसमें हमारा आंसर ए होगा। अगला है ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए चिप, चिप जो हम कहते हैं कंप्यूटर चिप होती है, बिल्कुल उसी की तरह से ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, यानी ओल्ड ब्लॉक की चिप, यानी पुराने से, यानी हमारे जो पूर्वज थे उनसे चरित्र में कुछ मिल जाना। तो देखिए इसमें दिया गया है, यानी सी ऑप्शन में आप देख सकते हैं, सी ऑप्शन में दिया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वंस एंसेस्टर्स, यानी अपने किसी पूर्वज से चरित्र में कुछ मिलना, यानी चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, तो इसमें हमारा आंसर जो है वो आता है सी। उसके बाद में 19 नंबर में देखिए टू प्ले वंस फॉल्स, टू प्ले वंस फॉल्स यानी किसी के साथ धोखा करना, यानी टू बिट्रे, इसके अंदर दिया है ए ऑप्शन में, देखिए सीधा आंसर ए ऑप्शन में दिया गया है। 20 नंबर में देखिए टू टेक द वर्ड आउट ऑफ वंस माउथ, यानी टू, देखिए एक एक हिंदी करके मैं बताता हूं, टू टेक द वर्ड, वर्ड को ले लेना, आउट ऑफ वंस माउथ यानी उसके मुंह में से निकलने से पहले ही उसके वर्ड को पकड़ लेना, यानी भांप जाना। देखिए पहले से ही कही नहीं है बात और उससे पहले भाप जाना। तो देखिए डी नंबर पे क्लियर दिया गया है टू एंटीसिपेट व्हाट ए पर्सन इज अबाउट टू से, तो डी इसमें हमारा आंसर होगा। अगला है टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी मगरमच्छ के आंसू, यानी झूठे आंसू, यानी देखिए अगर हम यहां ध्यान से देखते हैं तो क्लियर है। बी नंबर में देखिए टू एक्सप्रेस सोरो यानी दुख व्यक्त करने वाला, विच अपीयर्स और प्रतीत ऐसा होता है बहुत डीप यानी गहरा इसको दुख है, बट नॉट रियल, परंतु वास्तव में रियल ना होना, तो इसमें बी हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए मैन ऑफ स्ट्रा, यानी एक अविश्वासी व्यक्ति, ए मैन ऑफ स्ट्रा, एक अविश्वासी व्यक्ति यानी बिन पैंदी का लोटा जिसके ऊपर कोई भरोसा ना किया जा सके, ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस यानी जिस व्यक्ति का कोई आधार ना हो, कोई सार ना हो, तो देखिए डी ऑप्शन हमारा इसमें आंसर आता है। उसके बाद 23 नंबर में देखिए टू टॉक वंस हेड ऑफ, यानी किसी के सिर के ऊपर से जाकर बात करना, यानी क्लियर है कि टू टॉक एक्सेसिवली यानी बहुत ज्यादा बोलना, यानी बहुत ज्यादा तेज आवाज में बोलना, तो टू टॉक वंस हेड ऑफ यानी किसी के सिर पर से बोलना, तो देखिए ऑप्शन डी इसमें आंसर हमें प्राप्त होता है। उसके बाद में है टू फ्रेम ए पर्सन, यानी किसी पर्सन को फ्रेम करना, उस पर चार्ज लगाना, यानी उसको गिल्टी बताना, तो देखिए यहां पर क्लियर है टू मेक वन अपियर गिल्टी, तो बी इसके अंदर हमारा आंसर जो है क्लियर है। स्टूडेंट्स देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है ए स्नेक इन द ग्रास, यानी कोई छुपा हुआ खतरा। देखिए यहां पर दिखाई दे रहा है आपको, सी पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि एक छुपा हुआ खतरा, यानी सी नंबर में दिखाई दे रहा है अनरिकॉग्निजेबल डेंजर, यानी एक अपरिचित डेंजर, छुपा हुआ खतरा, तो सी इसमें हमें हमारा आंसर मिलता है। अगला देखिए टू टॉक थ्रू वंस हेड, यानी किसी को गलत बोलना, यानी किसी की हैसियत, यानी टोपी हर आदमी की हैसियत होती है, उसके ऊपर से बोलना, इसका मतलब गलत बोलना, तो देखिए दिया हुआ है टू टॉक नॉनसेंस, देखिए टू टॉक नॉनसेंस बी ऑप्शन इसमें हमें आंसर मिलता है। अगला क्वेश्चन है
टू लूज वंस हेड, यानी अपना आपा खो देना। देखिए, यानी अपना आपा खो देना, अपना हेड खो देना, यानी देखिए यहां पर सी नंबर में ऑप्शन में क्लियर दिखाई दे रहा है, सी में। तो टू बिकम कंफ्यूज एंड ओवर एक्साइटेड जो है यहां पर हमारा आंसर होगा। अगला 28 नंबर में कहता है, देखिए, टू कास्ट पल्स बिफोर ए स्वाइन, यानी सुअर के आगे मोती डालना, यानी जो जिस वस्तु की कदर ही नहीं जानता उसके सामने उसको डाल देना। तो यहां क्लियर दिखाई दे रहा है, देखिए डी ऑप्शन पे क्लियर है, टू ऑफर टू ए पर्सन ए थिंग विच ही कैन नॉट अप्रिशिएट, यानी जिस चीज की कदर ही जो नहीं जानता उसके सामने उसको डाल देना। तो क्लियर है कि सुअर के आगे मोती डाल देना। अगला है, टू कैच समबडी ऑन द होप, टू डू समथिंग व्हेन समवन इज नॉट रेडी फॉर इट, यानी जब कोई जैसे क्रिकेटर है, एक बल्लेबाज है, वो खेलने के लिए तैयार नहीं है और उसको बॉल फेंक देना उससे पहले ही, यानी जो खेलने के लिए तैयार नहीं है उसके लिए उसको पहले से ही बॉल फेंक देना। तो देखिए, टू कैच समबडी ऑफ गार्ड, यानी जो जिसके लिए वो तैयार नहीं है वो कर देना। तो बी इसमें हमें आंसर प्राप्त होता है। अगला देखिए, टू हिट बिलो द बेल्ट, यानी बेल्ट के नीचे मारना। तो महाभारत का वो किस्सा याद कीजिए, भीम और दुर्योधन का जो युद्ध हुआ था उसमें कृष्ण ने दुर्योधन को भीम के द्वारा बेल्ट के नीचे मरवाया था, क्योंकि वहां वो वहां से कच्चा था। तो वो एक गलत खेल था, यानी अगर कोई भी खिलाड़ी इस टाइप से बेल्ट से नीचे मारता है तो वो अनफेयर हार्म्स करता है। तो देखिए बी में दिया गया है, किसी को गलत तरीके से मारना, यानी नियम के विरुद्ध कार्य करना, टू हार्म अनफेयरली। तो इस प्रकार से बी हमें हमारा आंसर इसमें प्राप्त होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर और इस पर कॉमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। हमारे लेसन आगे भी इसी तरह से जारी रहेंगे।